नमस्कार, हेल्थ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काव्या। जरूरत से ज्यादा कॉफी पीना कितना हानिकारक हो सकता है, ये आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आपको बता दें कि आज के समय में सबसे आम ड्रिंक कॉफी हो गया है, चाहे वो हॉट कॉफी हो या फिर कोल्ड कॉफी। लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादा पीना चाहते हैं, और ऐसे में ये कॉफी आपके शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है और क्या कुछ इफेक्ट हो सकते हैं इस कॉफी का, आइए आज इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कॉफी, आपको बता दें कि अक्सर कामकाजी लोग एक साथ बैठते हैं तो कॉफी ही पीते हैं। इसके पीछे का कारण है खुद को रिफ्रेश करना, थकावट को दूर करना। लेकिन अगर आप कैफीन बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो ये बड़े पैमाने पे आपके लिए खराबी पैदा कर सकता है। इससे आपको कई सारी शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो आइए जानें कि कौन सी वो बीमारी है जो आपको ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हो सकता है। सुबह कॉफी पीने से पेट अच्छी तरह साफ होता है, शरीर में जमा मल को निकालना आसान होता है। लेकिन अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से आपको दस्त और एसिडिटी रिफ्लेक्स हो सकता है। कैफीन तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। हालांकि ब्लड प्रेशर में ये बढ़ोतरी अस्थायी है और स्वास्थ्य व्यक्तियों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग हाई बीपी के मरीज हैं, उन्हें कैफीन का सेवन सीमित करना चाहिए। कैफीन का सेवन आपको अधिक पेशाब के लिए भी मजबूर कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैफीन माइल्ड डायुरेटिक के रूप में कार्य करता है। हालांकि इसके कारण होने वाले डिहाइड्रेशन का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बहुत सारे लोग जब थक जाते हैं तो अधिक ऊर्जावान महसूस करने के लिए कॉफी पीते हैं। कैफीन द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा वृद्धि अस्थायी होती है। और जब आपको बता दें कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप थकान महसूस करते हैं और एनर्जी के लिए अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे में आपको नींद भी नहीं आएगा। तो रात के समय में कॉफ़ी पीने से बचें। हालांकि कॉफी पीना ज्यादा सही भी नहीं है, चाहे वो कोल्ड कॉफी हो या फिर हॉट कॉफी हो। कैफीन ज्यादा होने से आपके शरीर के लिए वो हानिकारक भी हो सकता है। साथ ही जो हाई बीपी के मरीज हैं, उन्हें कैफीन से दूर रहना चाहिए, कैफीन वाले पदार्थ से दूर रहना चाहिए, यानी कि कॉफी से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।